79 घंटे तक मलबे के नीचे जिंदगी और मौत के बीच जंग देखने को मिली। 79 घंटे तक मलबे में कई फिट नीचे दबा रहा शख्स, रेस्क्यू टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद शख्स को बचाया। और अगली खबर यह कि तुर्की के हताए से आया भूकंप और उसकी तबाही का वीडियो सामने आया है। ड्रोन वीडियो में नजर आया तबाही का मंजर, शहर में जगह जगह बिखरा पड़ा था है मलबा। मलबे में फंसे अपनों को ढूंढते दिखाई दिए हैं लोग और रेस्क्यू टीमें। ये देखिए हताए से आया हुआ ये वीडियो, ये पूरा का पूरा शहर किसी मलबे में तब्दील हो गया है। ये देखिए पूरी इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं और कुछ जगहों पर कुछ इक्का दुक्का इमारतें जो खड़ी हुई हैं उसके बीच में ये पार्क गाड़ियां बीच में खड़े हुए रेस्क्यू टीम के लोग सामने चुनौती का इतना बड़ा पहाड़ और लोग और उनका यहाँ आप देख रहे हैं उनका एकजुट होकर इससे लड़ने का संकल्प इसके आगे इतना कम साबित हो रहा है कि उनके सामने ये चुनौतियाँ पहाड़ जैसी हैं। अगली खबर देखिए, तुर्की में भूकंप से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार हो चुकी है। सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 4,000 तक पहुंच चुकी है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक की सबसे बड़ी विभीषिका लाने वाला भूकंप साबित हुआ है। और अगली अहम खबर यह कि भूकंप पीड़ितों के लिए कई हस्तियों ने बढ़ाया है मदद का हाथ। फुटबॉल खिलाड़ी मेसी से 3.5 मिलियन यूरो की मदद मिली है। फाउंडेशन लियो मेसी से भेजी जा रही है ये राहत सामग्री। लियोनेल मेसी इस बार अपनी टीम को उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाया और उसके बाद देखिए अब दुनिया को भी अपनी ही टीम मानते हुए उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया है और उनके इस फाउंडेशन की तरफ से ये बड़ी मदद भूकंप प्रभावितों के लिए भेजी जा रही है।